नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 20 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के पर। कांग्रेस नेता ने अतीक अहमद को बताया शहीद, मोदी और योगी सरकार से की अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग। कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी नेता अरविंद चौहान ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। मुसलमानों के विरोध मुद्री मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, मेहर शारदा मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को बीजेपी ने हटाने का आदेश किया जारी, मुसलमानों में भारी गुस्सा। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए शूटर्स, अब एसआईटी कर सकती है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर पूछताछ। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी, सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा दावा, बोले देश में बीजेपी के खिलाफ लहर, 2024 में 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। यूपी के हाथरस में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई गई नमाज, विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शाइस्ता परवीन को लेकर मौलाना तौकीर रजा का योगी पर बड़ा हमला, कहा पूरे खानदान को तबाह करना चाहते हैं सीएम योगी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी के मन काल के सामने कांग्रेस नेता ने अतीक अहमद को बताया शहीद, कहा अतीक अहमद को मिले भारत रत्न, जो सापा दें। अतीक अहमद की हत्या होने के बाद देश के तमाम नेताओं ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमले बोले हैं और इस हत्याकांड को एक साजिश करार दिया है। लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता और प्रयागराज के वार्ड 43 से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अतीक अहमद को शहीद बताते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मोदी और योगी सरकार से मांग की है। कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह ने अतीक अहमद की मजार पर जाकर वहां तिरंगा भी फहराया और अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। जिला कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि साउथ मलाका के आजाद नगर से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद प्रत्याशी राजकुमार सिंह रज्जू बुधवार को अतीक और अशरफ की मजार पर तिरंगा फहराने गए। वहां पर उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद योगी पुलिस ने कांग्रेस नेता को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो उससे बड़ी अपडेट है। इसी के साथ उछली पड़ी की मंडल के सामने मुसलमानों के विरोध मुद्री मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, मेहर शारदा मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने का बीजेपी ने आदेश किया जारी, मुसलमानों में भारी गुस्सा। चौंसा पदें, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार एक बार फिर से मुसलमानों के विरोध में उतराई है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के संस्कृति और धर्म इस विभाग के आदेश पर अब बवाल मच गया है। इस आदेश में बीजेपी ने मेहर माँ शारदा मंदिर प्रबंध समिति में मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है। हिंदू संगठनों की मांग पर धार्मिक न्याय मंत्री के हवाले से ये सरकारी आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा धार्मिक नगरी मेहर से मांस मंदिर की दुकानें हटाने का भी आदेश दिया गया है। आदेश पत्र में लिखा है कि मेहर मंदिर में मुस्लिम कर्मचारी काम नहीं करेंगे, साथ ही मेहर नगर में मांस मंदिर की दुकानें हटाने का भी आदेश दिया गया है। मंदिर के हवाले से ये पत्र उप सचिव पुष्पा कलेश के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने, किस तरह से अब बीजेपी मुसलमानों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार कर रही है। इसी के साथ उछली पड़ी की मन काल के सामने कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी नेता अरविंद चौहान ने भाजपा से दिया इस्तीफा। चौंसा पदें, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज टिकट कटने के बाद बीजेपी यूथ विक के नेता अरविंद चौहान ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद चौहान बीजेपी कालापुर की जिला युवा मोर्चा के महासचिव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। उन्होंने आज बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें चितपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने चितपुर निर्वाचन क्षेत्र से मणिकांत राठौर को मैदान में उतारा है, इससे नाराज होकर आज उन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक दो दिन में ये जल्द कांग्रेस से पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो उससे बड़ी अपडेट है, लगातार बीजेपी कर्नाटक चुनाव के बीच में ही तगड़े झटके लगते जा रहे हैं। के मनकाल किशन 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज गए अतीक और अशरफ के शूटर्स, अब एसआईटी कर सकती है पूछताछ। चौंसा पदे, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्या को बुधवार को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि बुधवार को कोर्ट से पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। तीनों शूटरों को प्रयागराज सीजीएम डीके गौतम की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दिए जाने की मांग की। जिला संसदीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि पुलिस ने अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपियों की 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी है, लेकिन सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को 4 दिनों की पुलिस रिमांड
दी है। अब सूत्रों की माने तो SIT भी इन शूटर्स से पूछताछ कर सकती है। जो सब बड़ी अपडेट निकल के सामने, जिसके बाद बड़ा खुलासा ये शूटर कर सकते हैं किन के कहने पर इन दोनों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की खुलेआम हत्या की थी। इसी के साथ श्री बड़ी की मेडिकल केशन शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा बयान, बोले देश में BJP के खिलाफ लहर, 2024 में 100 सीटों से गिर जाएगी BJP सरकार। जो शपथ है शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय रावत ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र की BJP की सत्ताधारी सरकार 100 से 110 सीटों तक गिर जाएगी। रावत ने मीडिया से कहा कि देश में BJP के खिलाफ लहर है, अगले लोकसभा चुनाव में BJP 100-110 सीटों से हाथ धो को बैठेगी। इसका मतलब है कि केंद्र में सत्ता में 100% बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि BJP के साथ साथ ED और CBI जैसी तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां जिनका दुरुपयोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शिवसेना जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, ये भी भार हो जाएंगी। संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी 2024 का विधानसभा चुनाव एक झूठ होकर 180-185 सीटें जीतने के लिए लड़ेगी और 48 लोकसभा सीटों में से MBA गठबंधन 40 सीटें जीतेगा। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ पढ़ के मंडकाल के हाथरस में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई गई नमाज, विरोध में अभिभावकों ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। जो शपथ है उत्तर प्रदेश के हाथरस के BLS इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। दरअसल हिंदू संगठनों को पता चला कि शहर के BLS इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसके बाद लोक नेता और बच्चों के अभिभावक स्कूल के गेट पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में लोग स्कूल प्रिंसिपल का शराब पीते हुए फोटो लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे परिजनों की मांग है कि जिला अधिकारी मौके पर आकर स्कूल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल ने बच्चों के हाथ से कलाबे निकाल दिए गए हैं और बुरका पहना कर बच्चों को नमाज पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो उससे बड़ी अपडेट निकलते सामने, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने गेट के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ ये किया है। जो उससे बड़ी अपडेट है। इसी के साथ श्री पढ़ के मंडल के शाइस्ता परवीन को लेकर मौलाना तौकीर रजा का योगी पर जोरदार हमला, कहा पूरे खानदान को तबाह करना चाहती है योगी सरकार। जो शपथ है प्रयागराज में हुई माफिया अतीक ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद मौलाना तौकीर रजा ने बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन योगी पुलिस ने अतीक अहमद समेत उनके नेताओं को घर पर ही नजरबंद कर दिया, जिसके बाद अब योगी सरकार पर तौकीर रजा ने जोरदार हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तौकीर रजा ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी और अधिकारी अतीक ब्रदर की हत्या के जिम्मेदार हैं, इसलिए मुख्यमंत्री समेत अधिकारी को 120B का मुजरिम बनाए जाने की मांग की। साथ ही CM योगी के इस्तीफे की भी मांग की गई। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने अतीक और अशरफ की पत्नी के फेवर में बोलते हुए योगी इस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उनकी खातीन पत्नी को मुस्लिम नहीं बनाया जाता है। इसका मतलब आप खानदान से दुश्मनी निकाले हैं, पूरे खानदान को तबाह करना चाहते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि अतीक ब्रदर्स की पत्नी को मुस्लिम बनाया गया है, जो गलत है। अतीक और अशरफ दोनों की बीवियाँ इद्दत में होंगी, अगर वो मिल जाएँ तो उनको बेपर्दा ना किया जाए। जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए उन्हें गिरफ्तार करने की जगह इद्दत के समय तक उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। तौकीर रजा ने कहा कि मैं संविधान और अदालतों के हिमायत में धरना प्रदर्शन करने जा रहा था, लेकिन मुझे बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि कत्ल करवाओ अपने गुंडों से, फिर 144 लगा दो, फिर लोगों को निकलने से रोक दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि हमें धरना प्रदर्शन स्थल पर शायन नहीं दिया गया, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। जो तीन शूटर सामने आए वो एक्टर थे, डायरेक्टर तो कोई और था जिसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अगर इस हत्याकांड में मुख्यमंत्री योगी शामिल नहीं है तो उन्होंने क्यों कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, इसलिए मुख्यमंत्री को मुकदमा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। तमाम एजेंसी को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस स्टेट बना दिया गया है। हेमंत करकर के आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई, उनकी हत्या करवाई गई है। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ बड़ी की मंडल केशन कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी समेत 40 नेता शामिल। जो शपथ है कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, सभी दलों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में लगे हैं, प्रचार का दौर भी शुरू है। इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं के नामों का शामिल है। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर्नाटक
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार, नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया, जगदीश सेट्टार, साथी थरूर समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में के सी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरेशवाला, जयराम रमेश, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राज बब्बर, कन्हैया कुमार का नाम शामिल। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में वीरप्पा मोहली, पी चिदम्बरम, अशोक चौहान, रमेश चेन्नीथला, बीबी श्रीनिवास, मोहम्मद अशरुद्दीन और रेवती रेड्डी समेत 40 नेताओं को जगह दी गई है। दरअसल आपको बता दें 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में वोटिंग होने वाली, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे।